नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। बिहार में होने वाली है बंपर भर्तियां, नए साल में 2 लाख नौकरियों के आसार, तैयारी में जुटी सरकार। नए वर्ष में बिहार में बड़ी संख्या में नौकरी मिलने वाली है, यह संख्या 2 लाख के आसपास होगी। इसमें सहायक प्रधानाध्यापक, शिक्षक, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, दारोगा, सिपाही समेत दर्जनों पद शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार नई नियुक्तियों भी तैयारी में जुट गई है। नई रिक्तियां आने पर हजारों पदों पर इजाफा होने की संभावना है। बिहार सरकार में वर्ष 2021 में बड़ी संख्या में स्थायी नियुक्ति होनी है। बहाली की प्रक्रिया जारी है, कुछ ही महीनों में इसका पूरा होने की संभावना है। शिक्षा विभाग में 4600 से ज़्यादा सहायक प्रधान अध्यापक और स्वास्थ्य विभाग में 3270 आयुष चिकित्सक के अलावा 1600 से अधिक इंटर स्तरीय पद, 1050 कनीय अभियंता और 271 न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाने वाले संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मिलने वाली सैकड़ों नौकरियाँ शामिल हैं। बिहार के लोगों के लिए गुड न्यूज है, 10 दिसंबर को होगा राज्य के 3 बड़े पुलों का उद्घाटन, जाम से मिलेगी राहत। जी हां, बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। राजधानी पटना को जाम से जल्द राहत मिलने वाली है। कोयलवर पुल, एम्स दीघा एलिवेटेड पुल एवं एग्जीबिशन रोड लिंक पुल को ट्रायल बेसिस पर गुरुवार को खोल दिया गया है। इसके अलावा ब्लॉक दीघा फोरलेन सड़क भी जल्द चालू हो जाएगी। इस बात की जानकारी पथ निर्माण सहित कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को दी है। बिहार में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून, गिरिराज बोले योगी सरकार का फैसला एकदम सही। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का जो फैसला किया है, उसके बाद अब बिहार में भी इसी तरह का कानून बनाने की मांग शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने योगी सरकार के फैसले को एकदम सही बताते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों के ऊपर कानूनी और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। गिरिराज सिंह जिस तरह से लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने के कदम को सही बताते हुए बिहार में इसे बनाने की जरूरत बताई, उसके बाद नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर बीजेपी इस मुद्दे को ज़्यादा हवा देगी तो नीतीश कुमार के लिए परेशानी बनता है। लव जिहाद जैसे मुद्दे को जनता दल यूनाइटेड अब तक विवादित मानता रहा है, जबकि बीजेपी के एजेंडे में यह सबसे ऊपर आ चुका है। बिहार में छठ, घाटों पर उमड़ी भीड़, सूप में फल ठेकुआ सजाकर श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया। छठ महापर्व की आस्था बिहार के घाटों पर बिखर गई है। घाटों पर हर तरफ श्रद्धालुओं दिखे और महापर्व मनाया गया। पटना मेगा के घाटों पर श्रद्धालुओं सूप पर फल ठेकुए कसाकर सजाकर पहुंचे, इन्हें छठी मैया को अर्पित किया गया। श्रद्धालुओं ने कल डूबते सूर्य को अर्घ दिया, आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आपको बता दें कि पटना के घाटों पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई। लोग मास्क पहने नजर तो आए पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। घाटों पर ही चाट और गोलगप्पे की दुकान सजी थी, सेल्फी का दौर भी लगातार चला। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में 495 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,29,969 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 6,267 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। वहीं राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 183 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना से 8 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरने वालों का आंकड़ा 1209 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 681 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। दूसरी तरफ देश में फिर बेकाबू हुआ कोरोना, राज्यों में हाई लेवल टीम भेजने की तैयारी में केंद्र। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ रहे हैं,
केंद्र सरकार वहां विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय टीम भेजने पर विचार कर रही है। वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने, सर्विलांस जांच और कोविड-19 के मामलों के प्रभावी क्लिनिक प्रबंधन में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर प्रशासन की मदद करने के लिए केंद्र ने बृहस्पतिवार को इन राज्यों में उच्च स्तरीय टीम भेजी है। मेवालाल के बाद मंगल पांडे को भी तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर करने की उठी मांग। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने सरकार के गठन के 3 दिन के अंदर शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को मंत्रिमंडल से हटाए जाने पर कहा कि यह जन दबाव का नतीजा है, साथ ही जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन से भाकपा माले पूरा विपक्ष और बिहार की जनता दागी व्यक्ति को शिक्षा मंत्री जैसे पद दिए जाने का विरोध कर रही थी। माले राज्य सचिव ने कहा कि मेवालाल के बाद मंगल पांडे जैसे मंत्री को भी तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर करने की जरूरत है। आरोप लगाया कि लॉकडाउन के समय मंगल पांडे नकारा साबित हुए हैं, पूरा बिहार लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग उठाता रहा है। वहीं मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को दूसरी बार स्वास्थ्य विभाग का पदभार ग्रहण किया, कहा कि बिहार की गरीब जनता को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना उनकी प्राथमिकता रही है। अगली बड़ी खबर, 26/11 की बरसी पर हमले की फिराक में थे आतंकी। पीएम मोदी ने गृह मंत्री और अजीत डोभाल के साथ की हाई लेवल मीटिंग। जी हां, 26/11 की बरसी पर किसी बड़ी आतंकी हमले के खुलासे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, NSA, अजीत डोभाल, विदेश सचिव के साथ सभी खुफिया एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा कि नगरोटा एनकाउंटर में ढेर हुए 4 आतंकवादी मुंबई हमले की बरसी के मौके पर किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन जवानों ने भी सभी को मार गिराया है। इसके बाद पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। वहीं आतंकियों के एनकाउंटर के बारे में बताया जा रहा है कि 4 आतंकी एक ट्रक में छिपे हुए थे। जेल में बंद कैदियों ने की छठी मैया की आराधना, डूबते सूर्य को दिया अर्घ। जी हां, पूर्णिया केंद्रीय कारा में केमो बेस 2 दर्जन महिला और पुरुष कैदियों ने छठ का व्रत रखा है, जिसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से व्यवस्था कर हुए जेल परिसर में ही छठ घाट बनाया गया। इसके साथ ही न केवल वर्ती बल्कि जेल में बंद 1800 से अधिक कैदियों के लिए पूजा अर्चना की व्यवस्था कराई गई है। आस्था के इस महापर्व में हर किसी को सूर्य को अर्घ देने का अधिकार दिया गया है। इसी में 1800 से ज्यादा कैदियों ने एक साथ आस्था के इस महापर्व को मनाया। सरकारी आदेश पर भारी पड़ी आस्था, श्रद्धालुओं के लिए खुल गया देव सूर्य कुंड का गेट। जी हां, औरंगाबाद में देव सूर्य कुंड को श्रद्धालुओं के दबाव के बाद खोलना पड़ा। आस्था को देखते हुए स्थानीय लोगों की पहल पर अधिकारियों पर कुंड का द्वार खोलने के लिए दबाव बनाया गया। लोगों के द्वार किए गए पहल का असर यह हुआ कि जिला प्रशासन की अर्घ के लिए कुंड का द्वार खोल दिया गया, जहां श्रद्धालुओं ने जाकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देकर अपने अनुष्ठान को सफल बनाया। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा जगह जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए श्रद्धालुओं को अर्घ दिलाने में मदद की गई। अगली बड़ी खबर, CSBC ने बिहार पुलिस और होमगार्ड में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा की नई तिथि जारी की। जी हां, केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा की नई तिथि की घोषणा कर दी है। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक अब बिहार कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती की लिखित परीक्षा 3 जनवरी 2021 को आयोजित होगी। पहले परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर को होना था। होमगार्ड में सिपाही के 551 पदों पर भर्ती की परीक्षा तिथि भी घोषणा कर दी गई है। यह परीक्षा 24 जनवरी को आयोजित होगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं होने के चलते इन्हें स्थगित कर दिया गया था। एडमिट कार्ड परीक्षा के 1 सप्ताह पहले जारी किए जाएंगे, जिसे csbc.nic.in से डाउनलोड किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, कोरोना के कारण विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला रद्द, मंत्री राम सूरत राय ने दिए आदेश। जी हां, कोरोना का असर इस बार कई पर्व त्योहारों और आयोजनों पर देखने को मिल रहा है। इस कड़ी से सोनपुर मेला के लगने पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। बिहार में गठित नई सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस साल कोरोना को लेकर जैसे श्रावणी मेला के साथ गया का प्रतिपक्ष मेला नहीं लगा, वैसे ही विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का सोनपुर मेला भी नहीं लगेगा। साथ ही मंत्री ने कहा कि इसकी भरपाई अगले साल के मेले में की जाएगी और अगले साल
खूब धूमधाम के साथ इस मेले का आयोजन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के नाम से प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र में कई संप्रदायों के लोगों की आस्था जुड़ी है। इस मेले के बारे में बताया जाता है कि यहाँ मौर्य काल से लेकर अंग्रेज के शासन काल तक राजा महाराजा हाथी घोड़े खरीदने आते थे। आज भी अलग अलग राज्यों से व्यापारी अपने पशु को खरीद बिक्री के लिए इस मेले में एकत्रित होते हैं। बीपीएससी ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तिथि जारी की। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 90 वैकेंसी के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 17 और 18 दिसंबर को आयोजित होगी। अभ्यर्थी पूरा शेड्यूल bpsc.bihar.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। 17 दिसंबर को 2 शिफ्ट में और 18 दिसंबर को 1 शिफ्ट में परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए अंतिम मेरिट लिस्ट 9 दिसंबर तक होगी तैयार। जी हां, 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए फाइनल मेगा सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित होगी। इस संबंध में सभी जिलों को डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों की फाइनल सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने शुक्रवार को सभी डीओ और डीपीओ को पत्र भी भेज दिया गया है। कहा गया है कि 28 नवंबर तक पंचायती राज और नगर निकाय की नियोजन इकाइयों की मेगा सूची जिले के NIC की वेबसाइट पर प्रकाशित कराया जाए। 5 दिसंबर तक अभ्यर्थियों से आपत्ति लेना है। 9 दिसंबर तक फाइनल सूची प्रकाशित करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक अभ्यर्थियों की मेगा सूची 25 नवंबर तक जिला NIC पोर्टल पर अपलोड करना है। और अंत की बड़ी खबर, अगले 1.5 महीने में आयोजित होगी 5 बड़ी परीक्षाएं। देखिए पूरी लिस्ट। जी हां, अगले 1.5 महीने में प्रदेश में 5 बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी। ये वे परीक्षाएं हैं जो पहले ही आयोजित होनी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण इनमें देरी हुई है। 5 परीक्षाओं में 2 PT जबकि 2 मुख्य परीक्षाएं होगी, जबकि 1 सामान्य लिखित परीक्षा होगी। इनमें 3 का आयोजन BPSC जबकि 2 का आयोजन BSSC करेगा। तो आइए जानते हैं सभी परीक्षाओं के नाम और उनके तिथि। तो सबसे पहले 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो 6 दिसंबर से शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर सहायक वन संरक्षण परीक्षा जो 1 से 17 दिसंबर तक चलेगी। उसके बाद 65वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 25 से 28 नवंबर तक होगी। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा 3 दिसंबर में होगी। वहीं दूसरी ओर सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षा 25 दिसंबर में होगी। जिसके बाद कुछ ऐसे परीक्षाएं हैं जिनका तिथि जल्द ही घोषित किया जाएगा, जिसमें से 86वीं BPSC PT उर्दू अनुवादक, राजभाषा सहायक और JEE काउंसलिंग सिविल। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब